بسم الله الرحمن الرحيم. Our discussion is going on the topic of water measurement. There are different types of methods for measurement of water, and our topic is under discussion, that is water measurement, or you can say that the flow rate of water measurement by using the devices. We have already covered the topic of orifice and weirs. Now today I will discuss about flumes. Lecture number 8, about the flumes for measurement of water, or for finding the discharge of water, or you can say that to determine the flow rate of water. This is a flume. This structure is called as flume. It is a very special kind of hydraulic structure to find the flow rate of water. और इसके अंदर इसका फायदा ये है कि इसमें हेड लॉस जो है वो बहुत कम होता है. हेड लॉस का मतलब ये है कि जितना पानी अपस्ट्रीम्स पर है वो उतना ही तकरीबन डाउन स्ट्रीम पर होता है. अगर डिफरेंस हो पानी के लेवल का, दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज हेड लॉस. जो वाटर लेवल अपस्ट्रीम पर है और जो वाटर लेवल डाउन स्ट्रीम पर है, दोनों का डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड एज हेड लॉस. और डिफरेंस इन हाइट, और यू कैन से दैट डिफरेंस इन वाटर लेवल, तो उसको हम हेड लॉस बोलते हैं. वो हेड लॉस है वो इस इन दिस केस एज कंपेयर टू अदर स्ट्रक्चर्स इट्स वैल्यू इज़ वेरी लेस. लेकिन दूसरी तरफ जो है, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये शैलो कैनाल्स के अंदर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है. ये बेसिकली जो अनलाइंड वाटर कोर्सेज हैं उसके अंदर इसको इंस्टॉल करके हम डिस्चार्ज मेजर करते हैं. तो कच्चा खाला जो होता है उसके अंदर अगर डिस्चार्ज फाइंड करना हो तो फ्लूम इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन दूसरी साइड पर फिर इसका डिसएडवांटेज ये भी है कि ये थोड़े से महंगे होते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल जो है ये डिपेंड करता है. मैंने पहले भी बताया था कि जब आपने डिस्चार्ज मेजर करना है, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है कि आपने किस मेथड से फाइंड करना है. अगर आपके पास डेफिनेटली जो फाइनेंस प्रॉब्लम है, यू विल नॉट यूज़ दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द डिस्चार्ज यूजिंग फ्लूम्स. देर आर फोर टाइप्स ऑफ फ्लूम्स: पार्शियल फ्लूम, कट थ्रोट फ्लूम, ब्रॉड क्रेस्टेड वियर फ्लूम, एंड डबल थ्रोटेड फ्लूम. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज कट थ्रोट फ्लूम. इन पाकिस्तान वी आर मोस्टली यूज दिस कट थ्रोट फ्लूम. दिस इज द व्यू ऑफ प्लेन व्यू ऑफ पार्शियल फ्लूम. पार्शियल फ्लूम के तीन पार्ट्स होते हैं: ये इनलेट, ये आउटलेट, और ये इसका थ्रोट है. ये इसका इनलेट पार्ट है, ये आउटलेट है, और ये थ्रोट है. इधर से पानी एंटर होकर इस तरफ मूव करता है. तो इसको कन्वर्जिंग सेक्शन बोलते हैं और इसको डाइवर्जिंग सेक्शन बोलते हैं. ये वाला जो है ये आगे जाकर देखें, जैसे जैसे पानी मूव रहा है कन्वर्ज हो रहा है, यानी सिकुड़ रहा है, और फिर ये इस पोर्शन वाले को डाइवर्ज कहते हैं, यानी खुल रहा है. दैट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल फ्लूम. इसके तीन पार्ट्स हैं. इसमें थ्रोट है, थ्रोट की भी विड्थ है. ये इसकी जो इसकी थ्रोट की भी लेंथ है. इस पूरे की लेंथ ये है. इसकी विड्थ भी देखें, जैसे जैसे आगे मूव करेंगे वेरी कर रही है. तो इसकी भी इस थ्रोट की विड्थ भी है, लेंथ भी है. दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल व्यू ऑफ पार्शियल फ्लूम. This is called as cut throat flume. Its length is this one.
इट्स टोटल लेंथ विच इज़ डिनोटेड बाय एल, ये है इसकी टोटल लेंथ, और इसकी ये इसका जो है कन्वर्जिंग पोर्शन है, कन्वर्जिंग सेक्शन है, ये इसका थ्रॉट है, ये डाइवर्जिंग पोर्शन है। दोनों में फ़र्क काफ़ी क्लियर है कि ये वाला जो है इसकी लेंथ कम है कन्वर्जिंग पोर्शन की और डाइवर्जिंग की ज़्यादा है, जबकि पार्शियल फ्लूइड के अंदर उलट है, कन्वर्जिंग की लेंथ ज़्यादा है और डाइवर्जिंग की कम है। इसके अंदर कन्वर्जिंग की कम है और डाइवर्जिंग की ज़्यादा है। और दूसरा देखें कि इसकी लेंथ नहीं है, थ्रोट जो है ये इसकी सिर्फ विड्थ है लेकिन इस तरफ इसकी लेंथ नहीं है, थ्रोट का अलहदा से एक कंप्लीट पोर्शन नहीं है जैसा कट थ्रोट, ये देखें इसकी लेंथ भी है, ये इतनी इसकी लेंथ है, तो इसके अंदर इसकी लेंथ नहीं है। तो मोस्टली पाकिस्तान में ये यूज होता है, पानी इधर से आकर इस तरफ जा रहा है और ये नीचे से लेवल भी है, जबकि ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें, ये लेवल नहीं है, ये नीचे से ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ, यहाँ से देखें आप ये बिल्कुल लेवल नहीं है, यही इसका प्रॉब्लम है कि इसको इंस्टॉल करने में इसको लेवल करना सबसे बड़ा मसला है। तो हमारा ज़्यादा कंसर्न है कट थ्रोट फ्लूम के साथ। तो इसके तीन पोर्शन जो हैं, मोस्टली दो पोर्शन, ये कन्वर्जिंग, ये डाइवर्जिंग, और ये छोटा सा जो है दरमियान में थ्रोट भी है जिसकी लेंथ नहीं है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है कट थ्रोट फ्लूम का। थर्ड वन दैट इज़ ब्रॉड क्रेस्टेड वियर फ्लूम, ये इसका व्यू है और ये इसका लॉन्गिट्यूडनल व्यू है। अब आ जाएं कट थ्रोट फ्लूम की तरफ, ये हम जो है हमने प्रैक्टिकल में भी यही प्रैक्टिकल शामिल है, जो कट थ्रोट फ्लूम है पाकिस्तान में मोस्टली यही यूज़ किया जाता है और इसके रिजल्ट्स जो हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री हैं। इसमें दो कंडीशंस होती हैं, फ्री फ्लो और सबमर्ज्ड फ्लो, और ये अनलाइंड वाटर कोर्स के अंदर, ये कच्चे खाले के अंदर इसको हम इंस्टॉल करके यूज़ करते हैं और इसके अंदर एरर के चांसेस बहुत कम हैं, ओनली 5%, लेस देन 5%। और हेड लॉस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अप स्ट्रीम पर और डाउन स्ट्रीम पर कट थ्रोट फ्लूम के अंदर हेड लॉस जो है बहुत कम है, यानी कि वाटर लेवल जो है वो बहुत वाटर लेवल डिफरेंस बहुत कम है, लेस हेड लॉस डिफरेंस ऑफ FSL मींस फुल सप्लाई लेवल, FSL मीन फुल सप्लाई लेवल, US मीन्स अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम ऑफ CTF कट थ्रोट फ्लूम। तो इसके अंदर डिफरेंट साइज़ के फ्लूम्स होते हैं जिसमें विड्थ जो है 4 इंच होगी या फिर 8 इंच या 12 या 16, और लेंथ इसकी सेम होगी 3 फुट की। तो ये रिप्रेजेंट करता है W into L, यानी विड्थ इंटू लेंथ, ये वाली सारी विड्थ शो कर रही हैं और ये वाली लेंथ। और तो जो हमारे पास फ्लूम साइज होगा 4 इंच बाय 3 फिट, उसमें डिस्चार्ज जो है उसकी रेंज होगी अप टू 1 क्यूबिक फिट पर सेकेंड मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि कम अज़ कम जितनी भी हो लेकिन मैक्सिमम जो है वो 1 क्यूबिक फिट पर सेकेंड होगी। सेकेंड वन है अगर उसकी विड्थ 8 इंच है और लेंथ जो है वो 3 फिट है, तो उसकी रेंज है 1 से लेकर 2.75 क्यूबिक फिट पर सेकेंड। और थर्ड वन 12 इंच और 3 फिट इसकी डायमेंशंस हैं, तो उसमें 2.75 से लेकर 4 क्यूबिक फिट पर सेकेंड तक डिस्चार्ज की रेंज होगी। एंड द लास्ट वन दैट इज 16 इंच विड्थ एंड 3 फिट लेंथ, इसमें 4 से बड़ी जितनी भी क्यूसिक के डिस्चार्ज होंगे क्यूबिक फिट पर सेकंड, उस ये इस रेंज में आते हैं। तो ये जो डबल है ये निशान ऊपर, इस ये इंचेस के लिए होता है और ये सिंगल जो है ये फुट के लिए होता है। आप इसको
फिट और इंचेस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये इसके फोर साइजेस हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सबमर्जेंस? सबमर्जेंस इज द रेशियो ऑफ डाउनस्ट्रीम हेड टू अपस्ट्रीम हेड। डाउनस्ट्रीम साइड पर आपने हेड को मेजर कर लेना है और अपस्ट्रीम पर, और दोनों की रेशियो ले लेनी है, तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज सबमर्जेंस। अगर तो ये सबमर्जेंस की वैल्यू जो है वो लेस देन 60% है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज फ्री फ्लो कंडीशन, और अगर ये ग्रेटर देन 60 है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज सबमर्ज्ड फ्लो कंडीशन। तो अगर आपने ये कंडीशन फाइंड करनी है कि हमारा फ्लो जो है वो फ्री है या सबमर्ज्ड है, तो यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स, अपस्ट्रीम हेड एंड डाउनस्ट्रीम हेड। यहाँ से इसको ज़रा देखें, ये आपका अपस्ट्रीम हेड है, ये डाउनस्ट्रीम हेड है, ये स्केल लगा हुआ है साथ अगर नज़र आ रहा है, यहाँ से भी वाटर की हाइट यहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है, तो इसकी जो है ना वो लेवल मेजर कर लें, यहाँ रीडिंग जो नज़र आ रही है उसको पढ़ लें वो, और इधर से जो नज़र आ रही है दोनों को डिवाइड कर लें, ये वाली ऊपर रखें ये नीचे रखें इधर वाली, तो हमारे पास आ जाएगी सबमर्जेंस। अगर तो उसकी वैल्यू है लेस देन 60% तो फिर तो वो फ्री फ्लो होगा, अगर ज़्यादा है 60% से तो वो सबमर्ज्ड फ्लो होगा, और अगर वो वैल्यू ही 60 आए तो फिर दैट 60% आए दैट विल बी आल्सो फ्री फ्लो, उसको भी फ्री फ्लो ही बोलेंगे। तो इसमें हमारे टेबल्स की ज़रूरत पड़ती है डिस्चार्ज को फाइंड करने के लिए, डिफरेंट टेबल, दो किस्म के टेबल्स होते हैं, एक फ्री फ्लो के लिए और सबमर्ज्ड फ्लो के लिए। ये फ्री फ्लो के लिए है, जब हमें सबमर्जेंस फाइंड करते हैं, अगर तो फ्री फ्लो है हमारे पास तो फिर इसमें से हम डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं, और अगर सबमर्ज्ड फ्लो है तो फिर उसके लिए दोनों टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, पहले हम ये यूज़ करेंगे फिर पीछे वाला यूज़ करेंगे ये वाला, तो सबमर्ज्ड में दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो फ्री फ्लो है उसके अंदर हमें सिर्फ जो है फ्लूम का साइज़ पता होना चाहिए कि उसकी विड्थ कितनी है और लेंथ कितनी है, और हमें जो है वो सिर्फ एच यू चाहिए, अपस्ट्रीम पर हमारे पास जो वाटर लेवल है वो चाहिए, तो उससे हम डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं। ये टेबल के अंदर तीनों चीज़ें गिवन हैं, लेंथ भी गिवन है, विड्थ भी गिवन है और एच यू। जब हमारे पास एच यू होगी तो हम इजीली इसमें से मैच करके वो वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास सबमर्ज्ड फ्लो है तो उसके लिए सबमर्जेंस जो हमने निकाली हुई है उसकी वैल्यू चाहिए, फिर इसमें से रेशियो गिवन है क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू एफ, मीन्स सबमर्ज्ड फ्लो रेट डिवाइडेड बाय फ्री फ्लो रेट, या सबमर्ज डिस्चार्ज डिवाइडेड बाय फ्री फ्लो डिस्चार्ज। तो उस इसकी वैल्यू यूज़ करके फिर हम प्रीवियस टेबल में जाएंगे और वहाँ से भी वैल्यू यूज़ करेंगे, और इस तरह से हम जो है वो उसको निकाल सॉल्व कर सकते हैं अपना कोई भी न्यूमेरिकल। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि ऑरिफिस के अंदर भी हमने फ्री फ्लो और सबमर्ज्ड फ्लो पढ़ा था, तो यहाँ पर भी फ्री फ्लो में सिर्फ हमें इस साइड पर जो लेवल है वाटर का यानी एच यू उसकी ज़रूरत पड़ती है, जबकि सबमर्ज्ड में दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो इसकी रीज़न क्या है? तो इसकी रीज़न ये है कि अब ये जो नज़र आ रहा है ये फ्री फ्लो है, ये फ्री फ्लो है, सबमर्ज नहीं है। अब देखें जो होता है ना फ्री फ्लो, इस तरफ जो वाटर लेवल है वो इस वाले से नीचे होगा, और अगर सबमर्ज है तो इस तरफ वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर होगा इससे। तो जब ये वाला पानी जो है इस साइड पर डाउन स्ट्रीम साइड पर नीचे है
तो पानी बड़ी स्मूथली इधर से इधर आ रहा है, बस कहानी ख़त्म। लेकिन अगर सब मल्ट फ्लो है तो उसके अंदर पानी जैसे ही इधर से इधर मूव करेगा तो यहाँ इसका लेवल जो है वो इससे ज़्यादा होगा, इधर कहीं करके होगा। तो जब इधर कहीं करके होगा तो वो उसका इफेक्ट जो है वो पीछे की जानब भी होगा। इस बात को ज़रा गौर से देखें कि ये जो गिवन है ये फ्री फ्लो है, इस पानी का इस पर कोई असर अंदाज नहीं है, इस पानी का इससे कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई असर नहीं है। लेकिन अगर इसका लेवल यहाँ पर हो, पानी इधर से बेशक इधर आ रहा है लेकिन वो थोड़ा सा उसका असर जो है इम्पैक्ट इस पर भी होगा, तो इसलिए जो सबमर्ज्ड फ्लो है उसके अंदर हमें एच यू भी चाहिए, एच डी भी चाहिए, यानी अप स्ट्रीम वाटर लेवल भी चाहिए और डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल भी चाहिए। तो यहाँ पर दो न्यूमेरिकल्स गिवन हैं, दैट्स योर असाइनमेंट, जिसमें लेंथ और विड्थ दी गई है एच यू और एच डी, अप स्ट्रीम हेड लेवल और डाउन स्ट्रीम हेड लेवल आल्सो गिवन फिट में, और आपने डिस्चार्ज मालूम करना है। सबसे पहले आपने इसमें सबमर्जेंस देखनी है। अगर तो उसकी वैल्यू है 0.65 या उससे लेस तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्री फ्लो, अगर उससे ज़्यादा है तो दैट इज़ कॉल्ड एज सबमर्ज्ड फ्लो। अगर तो फ्री फ्लो है तो फिर आपने इस टेबल में जाना है, पहले वाले में, ये फ्री फ्लो के लिए है, दूसरे वाला सबमर्ज्ड फ्लो के लिए है। तो आपको एच यू गिवन है यानी अपस्ट्रीम पर फिट में हेड लेवल गिवन है, जो गिवन है उसको इसमें से आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, ये जो है थ्री फिट फ्लूम यानी लेंथ दी हुई है और विड्थ भी गिवन है 2 इंच का फ्लूम है, 4, 6, 8, ये 4 फ्लूम है बेसिकली, 1, 2, 3, 4, और 4 ये हैं 8 और 4 ये 12। इनकी इनकी जो लेंथ है 4 की वो 1.5 फिट है, इनकी लेंथ 3 फिट है, इनकी 4.5 फिट है। तो इनकी इनमें आगे जो 4 हैं उनकी विड्थ जो है वो इसकी 2 इंच है, इसकी 4, इसकी 6 और इसकी 8, इसी तरह इसकी 4, 8, 12, 16, 6, 12, 18 और 24। तो आपकी जो लेंथ और विड्थ है वो किस में लाई करती है वो आप देखें, और एच यू गिवन है वो आप जिस जो वैल्यू मैच करें वही आपका डिस्चार्ज होगा इन क्यूबिक फिट पर सेकेंड। लेकिन अगर आपके पास सबमर्ज्ड फ्लो है तो उसके अंदर आपने जो सबमर्जेंस निकाली है उसकी वैल्यू देखें कितनी है, और अपने फ्लूम का साइज़ देखें, ये भी वही 4, 4, 8 और 4, 12। तो सबमर्जेंस की वैल्यू के साथ आप मैच करें, जो आपकी क्यू एस ओवर क्यू एफ होगी वो आपके पास यहाँ से आ जाएगी, यानी कि डिस्चार्ज ऑफ सबमर्ज्ड फ्लो डिवाइडेड बाई डिस्चार्ज ऑफ फ्री फ्लो, तो आपके पास आ गई क्यू एस डिवाइडेड बाई क्यू एफ, ये वैल्यू आ गई। तो एच यू पिछला जो प्रोसेस पिछले टेबल में जो हमने एच यू से मैच करके फ्री फ्लो निकाला था, वहाँ से वहाँ पर दोबारा जाएं वो वैल्यू इसमें रखें और आपके पास क्यू एस निकल आएगा। ये आपकी असाइनमेंट है, दोनों न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल आगे है। अ कॉन्ट्रैक्टेड रेक्टेंगुलर वियर, ये जो वियर वाला लेक्चर है उससे ये रिलेट करता है, तो ये भी आपने सॉल्व करना है। और चौथा जो है ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, इसको भी आपने सॉल्व करना है। तो ये चार जो तीन न्यूमेरिकल्स हैं ये थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो इसको आपने अपनी असाइनमेंट पेजेस पर सॉल्व करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।